दोस्तों टीम इंडिया श्रीलंका से हारने के बावजूद भी फाइनल में पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं विस्तार से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो कल इंडिया और श्रीलंका के बीच में एशिया कप का चौथा मुकाबला हुआ। इस मैच का टॉस जीता श्रीलंका ने और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। बैटिंग करने आए इंडिया की टीम ने पूरे 20 ओवर में 173 रन बनाए। 173 रन तक पहुंचाने में रोहित शर्मा का बहुत योगदान रहा। रोहित शर्मा 41 गेंदों का सामना करते हुए पूरे 72 रन मारे। मैसूर कुमार यादव ने भी टीम के लिए 33 रन बनाए। श्रीलंका के गेंदबाजों ने भी काफी अच्छी बॉलिंग की। दोस्तों इसके बाद श्रीलंका की टीम बैटिंग करने आती है, वो ये मैच 19.5 ओवर में जीत जाती है। इस मैच को जिताने में श्रीलंका के दोनों ओपनर्स का हाथ रहता है। श्रीलंका के दोनों ओपनर्स ने अपने टीम के लिए अर्धशतक मारे, जिसकी वजह से उनकी टीम ये मैच आसानी से जीत पाई। में लग रहा था कि ये मैच टीम इंडिया ही जीतने वाली है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार द्वारा खराब गेंदबाजी किए जाने के कारण ये मैच इंडिया हार गई। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इंडिया का फाइनल में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को हराता है और श्रीलंका वापस फिर पाकिस्तान को हराए, तो शायद इंडिया का थोड़ा बहुत चांस बन सकता है। एंड इंडिया को अफगानिस्तान से मैच जीतना पड़ेगा। इंडिया अफगानिस्तान से बड़े अंतराल पे मैच जीती, तो शायद टीम इंडिया इस एशिया कप का फाइनल खेल सकती है। अगर इसमें से एक भी चीज नहीं हुआ, तो इंडिया फाइनल में नहीं जा सकती है।